श्री 14 तालियां हो जाएं के लिए एवरीबॉडी प्लीज. श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मैं प्लीज रिक्वेस्ट श्री संजय प्रसाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम टू वेलकम एंड टू गिव द फ्लोरल वेलकम टू श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फ्लावर वेलकम करेंगे, अतिथियों का स्वागत करेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री संजय प्रसाद जी को मैं विनती करूंगी वे स्वागत करें श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. श्री संजय जी प्लीज, चौदह तालियां हो जाए एवरीबॉडी. श्री संजय प्रसाद जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, फ्लोरल वेलकम कर रहे हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और मैं विनती करूंगी अब श्री शशीर जी से, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड सेक्रेटरी फिल्म बंधु, वे स्वागत करें पद्मश्री मती हेमा मालिनी जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आ ड्रीम गर्ल, इनका स्वागत करें आप. श्री शशीर जी, एक शॉल द्वारा भी हम स्वागत करना चाहेंगे श्री अनुराग जी का. मैं विनती करूंगी सर से आप स्वागत करें श्री रवि किशन जी का, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेरी रेनाउंड एक्टर. बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन अनुराग जी, एक शॉल बना के हम उनका सम्मान अदा कर रहे हैं. और मैं विनती करूंगी सर से आप स्वागत करें जी को. मैं विनती करूंगी स्वागत करें श्री आशुतोष शुक्ला जी, श्री कोमल नाटा जी, श्री के सी बुकाड़िया जी, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री रवि किशन जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्टर, श्री सतीश कौशिक जी, श्री मधुर भंडारकर जी डायरेक्टर, सर श्री आशुतोष शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. माननीय मंत्री जी श्री बलदेव औलख जी को हम शॉल बुला के उनका स्वागत करना चाहेंगे. सुमिंदर जी का भी स्वागत करना चाहेंगे. मैं रिक्वेस्ट करते हैं सर प्लीज़ वेलकम हिम. 14 तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच. एंड यस लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बिना समय गवाए मैं विनती करूंगी श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, एडवाइजर टू अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी, वे आके इसके बारे में बताए, इस सेशन के बारे में. आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आदरणीय मैडम हेमा मालिनी जी, हमारी अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे मथुरा की मैडम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे अपने श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे अपने प्रदेश के साथी श्री सतीश कौशिक साहब, श्री मधुर भंडारकर साहब, श्री कोमल नहाटा जी, श्री केसी बोकाडिया साहब, एवं यहाँ बैठे मेरे सहयोगी संजय प्रसाद जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एज वेल एज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और शिशिर जी जो हमारे डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ हमारे बैठे माननीय मंत्री श्री गिरीश यादव जी, हमारे माननीय मंत्री जी श्री औलाख साहब, हमारे मेंबर ऑफ विधानसभा, यहाँ आए हुए सभी इन्वेस्टर्स, यहाँ आए हुए सभी फिल्म से जुड़े हुए सभी पर्सनालिटीज, यहाँ आए हुए सभी हमारे प्रेस के भी साथीगण जो आज इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और हमारे दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सहयोगीगण. उत्तर प्रदेश का स्थान जहाँ तक फिल्म का सवाल है,
तो निश्चय ही पूरे फिल्म के इतिहास में अगर आप देखें तो सिनेमा के इतिहास में उत्तर प्रदेश का स्थान हर तरह से सबसे महत्वपूर्ण रहा है। चाहे फिल्म निर्माता हो, निदेशक हो, कलाकार हो, गीतकार हो, संगीतकार हो या पटकथाकार हो, सभी ने उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन रहा है और जाकर बॉलीवुड में और अन्य प्रदेशों में भी उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। इसी कड़ी में आज यहाँ जो ये फिल्म का सेशन हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि सर, पूरे हम लोगों के अपने कैरियर में जो ये 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन हमारे इन्वेस्टर समिट का किया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, हम लोगों ने अपने पूरे कार्यकाल में इतना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं देखा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंच से जो है अपनी ओर से एक सांसद होने के नाते सबका स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मेहनत से इस पूरी रूपरेखा को तैयार किया है। मैं इन्वेस्टर समिट के आधार पर यहाँ पर पूरे प्रदेश की, पूरे सरकार की ओर से और यहाँ पर इस विभाग की ओर से मैं आप सबका मंच पर सभी लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। मुझे बहुत संक्षिप्त में जो है केवल इतना कहना है कि हमारी जो फिल्म की जो पूरी पॉलिसी है वो बहुत मजबूती से लागू की गई है। सर, हमारे फिल्म की पॉलिसी में लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक जो है हम लोग सब्सिडी जो है दे रहे हैं। हमारी फिल्म की पॉलिसी में न केवल हिंदी फिल्म, इंग्लिश फिल्म, जो रीजनल फिल्म्स हैं और अगर OCI विदेशों में जो है से आकर यहाँ त्रिनिदाद से या मॉरिशस से या कहीं से भी आते हैं, उनके लिए भी जो है हम लोग फिल्म्स के लिए अगर UP में तैयार करते हैं तो उसके लिए पूरा जो है सहयोग और कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं। मैं अपनी ओर से ये भी आपको बताना चाहूँगा कि फिल्म्स के साथ साथ हम यहाँ पर लैब्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए अनुदान दे रहे हैं। फिल्म्स के साथ साथ फिल्म सिटी बनाने के लिए हम अपना अनुदान दे रहे हैं और इसके साथ साथ फिल्म्स के प्रशिक्षण के लिए भी, जो भी हमारे कलाकार और टेक्निकल ट्रेनिंग का प्रशिक्षण होता है उसके लिए भी हम अपना जो है अनुदान की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर कि अभी रोड शो में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों को जो है मुंबई जाने का मौका मिला। निरहुआ जी मैंने अभी देखा नहीं था, निरहुआ जी, रवि किशन जी वहाँ मौजूद थे और वहाँ फिल्म के रोड शो में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक बिंदु जो है वेब सीरीज का और OTT प्लेटफॉर्म का भी रखा गया कि उनको भी अनुदानित किया जाए। मुझे बताने में ये खुशी है कि विभाग बहुत जल्दी ही OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी वेब सीरीज आ रही हैं या फिल्म्स आ रही हैं उनको भी अनुदान जो है उत्तर प्रदेश सरकार, यदि उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है तो वो प्रदान करेंगी। सर, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो हमारी पूरी रूपरेखा है इसको और मजबूत करने के लिए 1000 एकड़ की फिल्म सिटी का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे में प्रस्तावित किया गया है। अभी इस समय इसकी बिड ओपन है और लगभग 1000 एकड़ के लिए जो हमें अंदाजा है, लगभग 14 तारीख को जो क्लोजिंग है, कुछ 2 या 3 प्रस्ताव जल्दी ही आने वाले हैं। अगर ये 1000 एकड़ का हमारा फिल्म सिटी का जो है शुभारंभ हो जाता है निश्चय ही अगले 1 या 2 महीने में, तो ये पूरे नॉर्थ इंडिया की रूपरेखा ही बदल देगी और इस फिल्म सिटी के माध्यम से अलग अलग एरियाज में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट आएंगे और हमारे जो नामी ग्रामी कलाकार हैं उनको भी इसमें जो है सहयोगी किसी न किसी रूप में रखा जाएगा। आपको मालूम है कि प्रदेश हमारा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट रहा है। सर, आपकी मिनिस्ट्री से हम लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हैं। इसके साथ साथ हमारा एक बार पुनः स्पेशल अवार्ड भी फिल्म फ्रेंडली स्टेट का हमें मिला है। गोवा फिल्म फेस्टिवल में हम लोगों ने भी भाग लिया था, वहाँ पर भी हमको मोस्ट फिल्म शूटिंग फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड अभी शीघ्र ही 2021 में मिला है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अवार्ड्स के साथ साथ हम लोगों ने जितने फिल्मों का रजिस्ट्रेशन किया है, लगभग 495 फिल्म्स का अब तक हम रजिस्ट्रेशन अपनी फिल्म पॉलिसी में कर चुके हैं, जिसमें से 341 की जो हम पटकथा है उसका अप्रूवल कर चुके हैं।
एंड 80 फिल्मों को 44 करोड़ रुपए अभी तक जो है हम अनुदान पिछले कुछ साल दो साल में दे पाए हैं और आगे भी आने वाले समय में बहुत तेजी से काम मिलेगा। सर, मुंबई में जब हम लोग गए तो वहाँ जितनी फिल्म फ्रेटर्निटी थी उनका केवल एक ही पॉइंट कहना था कि यूपी में अगर कहीं भी फिल्म का निर्माण हो रहा है, शूटिंग हो रही, कहीं पुलिस की कहीं भी प्रशासनिक रूप से दिक्कत नहीं आती है। ये एक बहुत बड़ा जो है यहाँ का प्लस पॉइंट है और इसी कड़ी में पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर जो है फिल्मों का निर्माण हो रहा है। मैं पुनः इस अवसर पर ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे टूरिज्म में एक नारा है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, और उसी रूप में आज इन्वेस्टमेंट में हम लोग कह रहे हैं कि अगर यूपी में इन्वेस्ट नहीं किया तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, देश में इन्वेस्ट नहीं किया। मैं पुनः इस अवसर पर आप जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारे फिल्म पॉलिसी के बेसिस पर प्रस्तावित किया गया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, छोटे बड़े फिल्म सिटी के निर्माण प्राइवेट सेक्टर में भी आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से भी सर जो भी सहयोग हम लोगों को मिलेगा प्रदेश में, हम आपका सहयोग प्राप्त करेंगे और आपकी मिनिस्ट्री के माध्यम से आपके मार्गदर्शन में हम अपने प्रदेश को न केवल इस सेक्टर में आगे बढ़ाएंगे लेकिन हर सेक्टर में फिल्म मीडिया और जो भी हमारे वेब सीरीज हैं उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं पुनः इस अवसर पर मैडम हेमा मालिनी जी का, रवि किशन जी का, निरहुआ जी का, मधुर भंडारकर साहब का, सतीश कौशिक साहब का, केसी बुकाड़िया साहब का, कोमल नहाता साहब का और आशुतोष शुक्ला जी जो अपने जागरण के यहाँ पूरे प्रदेश के प्रभारी हैं, उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और पुनः अपने प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी की ओर से, शिशिर और उनके एडिशनल डायरेक्टर और पूरी टीम और मिस्टर दिनेश सहगल की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि फिल्म के लिए हम हर संभव पूरा प्रयास करेंगे और एक इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी प्रदेश में लाकर उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर से पुनः, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, यूपी में इन्वेस्ट नहीं किया तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। इस पूरे अभियान में आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं विनती करूंगी हमारे लोकप्रिय एक्टर सिंगर जिन्होंने कई फिल्मों में ऐसी अदा दी हैं एक्टिंग के माध्यम से, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा गोरखपुर से श्री रवि किशन जी। आप सभी लोगों को प्रणाम, मीडिया बंधुओं का स्वागत। इस ऐतिहासिक पल जहां पर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, इनका स्नेह, इनका प्रेम, इनका आशीर्वाद और इनका प्रोत्साहन अक्सर मुझे पर्सनली भी मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री को भी मिलता है। बहुत क्रिएटिव कोई भी थॉट्स लेके मैं इनके पास जाता हूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे इनक्रेज किया, मैं उसके लिए आपको सर धन्यवाद देता हूँ। एंड दैट्स अमेजिंग दैट यू नेवर डिस्करेज मी, यू ऑलवेज यू नो, और आप हमेशा फिल्म इंडस्ट्री के लिए खड़े रहते हैं। अभी जिनकी बातों को आज जिन्होंने अपनी सारी बातों को कम शब्दों में कह दिया, वैसे श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पूज्य महाराज जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। श्री सतीश कौशिक जी, और जिनको पूरा देश, पूरा विश्व ड्रीम गर्ल के नाम से जानता है, पार्लियामेंट में हमेशा हमारे सदन में हमको कुछ न कुछ सुंदरता के साथ बातें सिखाते रहती हैं, ऐसी हमारी सीनियर कलाकारा और बहुत ही सम्माननीय पद्मश्री श्री हेमा मालिनी जी, श्री मधुर भंडारकर जी मेरे मित्र जिनके साथ मैंने फिल्म आन की थी, सतीश कौशिक जी के साथ मैंने तेरे नाम फिल्म की थी सलमान खान वाली, केसी बोकाड़िया जी गोरी है कलाइयाँ के जो गाना इनका बड़ा हिट हुआ था, वही ऐसे बड़े दिग्गज निर्माता हैं, और हमारे साथ कोमल नाटा जी जिनको अक्सर आप देखें कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए एकदम एक कवच के रूप में खड़े रहते हैं और आपकी डिबेट अभी अक्सर बहुत चर्चा में रही है। आपको भी मेरे छोटे भाई आजमगढ़ से अभी सांसद बने माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, उनका स्वागत है।
शुक्ला जी जो यहाँ पर हमारे एडिटर हैं दैनिक जागरण के, उनका स्वागत है। और हाँ, गिरीश जी का स्वागत बा। तो सब लोगन के स्वागत। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच जो नया भारत है उसके साथ नया उत्तर प्रदेश जो बन रहा है पूज्य महाराज जी की डबल इंजन की सरकार, तो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच निरंतर 20 घंटे काम करना, निस्वार्थ सेवा करना, वही भाव से पूज्य महाराज जी भी काम कर रहे हैं। और आज फिल्म फर्टिनिटी के लिए पूज्य महाराज जी जैसे मुंबई में आए और एक मीटिंग किए, और उसके बाद आपने देखा है कि एक आगाज़ हुआ, बहुत बदलाव आया लोगों में, उनसे कुछ सवालात भी किए गए वहाँ पर, उसका उन्होंने इतने प्रेम से जवाब दिया जिससे ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी फिल्म इंडस्ट्री के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सोच व्यवसाय रोजगार देने वालों के साथ है। और वहाँ से पूरे देश ने एक अलग करवट ली। उसके बाद की फिल्म का आपने एक ओपनिंग देख लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश आया, उससे ये बात एकदम साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी विकास में बिलीव करती है, भारतीय जनता पार्टी रोजगार में बिलीव करती है। 1000 एकड़ की ज़मीन लेके पूज्य महाराज जी ने अभी ये जो सोच की है कि एशिया की द बिगेस्ट फिल्म सिटी वी आर गोइंग टू मेक, द लार्जेस्ट फिल्म सिटी, जहाँ पे हर भाषा के लोग होंगे, वहाँ हिंदी फिल्में भी होंगी, वहाँ पर भोजपुरी भी होंगी तो मराठी भी होगी, तमिल तेलुगु कन्नड़ा भी होगी, मलयालम फिल्में भी होंगी, वेब सीरीज़ भी होंगी। एक ऐतिहासिक ज़मीन एक्वायर कर लिया गया, जैसे अवनीश जी ने आपको बताया। निवेश के लिए भी अभी हम मुंबई में गए थे, हमको महाराज जी के सामने भूषण कुमार जी टी सीरीज से आए थे, उन्होंने भी और कई हज़ार करोड़ के निवेश के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स और इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर महाराज जी को पूरा सपोर्ट किया। तो वी आर कम्प्लीटली रेडी। आप लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं समस्त सिनेमा जगत जो इस वक्त मुझे मीडिया के माध्यम से सुन रहा है पूरे भारत में, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि कृपया आप लोग आएँ। हिंदी हार्टलैंड, हिंदी फिल्में बनती हैं हिंदी हार्टलैंड पे, और यहाँ की जितनी फिल्में आप लोग देख रहे हैं बन रही हैं, या वेब सीरीज़ या भोजपुरी फिल्में या तमिल या रजनीकांत सर यहाँ आते हैं, यहाँ पर जितने तेलुगु के सुपरस्टार आते हैं शूटिंग करते हैं, वो फिल्मों का लुक कैसा आप लोग जान ही रहे हैं। टूरिज़्म से, पर्यटन से, आपने देखा गोवा से ज़्यादा टूरिज़्म इस साल में पाया गया वाराणसी काशी में। उत्तर प्रदेश इतना सुंदर हो गया, भव्य हो गया है हर तरीके से। और सबसे सुंदर बात है जो कलाकारों को, चूंकि मैं खुद कलाकार हूं तो मैं जानता हूं कि कलाकार को एक बात हमेशा डर लगती है कि क्या मेरी सुरक्षा रहेगी कि नहीं, जो कि पूज्य महाराज ने उस बात को पूरी तरह से एकदम साबित कर दिया कि यहां पर आइए, पुलिस प्रशासन आपकी पूरी सुरक्षा करता है। और सब लोग आज प्रसन्नता से यहाँ पर लखनऊ में इस वक्त कर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 6-7 फिल्मों की शूटिंग हो रही है, गोरखपुर में शूटिंग हो रही है, बनारस में हो रही है, करीबन 80 से 100 फिल्मों की शूटिंग इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है हर भाषा की। तो ये अचीव किया है इस सरकार ने पूज्य महाराज जी की, उनकी सोच ने, विचार ने। इसी तरह मैं समस्त मीडिया जगत के द्वारा, मैं फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने मेरे कलीग्स हैं, कि कृपया आप लोग उत्तर प्रदेश आएँ। सब्सिडी के साथ साथ आपको वन विंडो क्लियरेंस है, आपको सारी सुविधाएं हैं, आपकी कहानी के अनुसार बड़े बड़े वो सारे लोकेशंस हैं। हम लोग जेवर स्टूडियो फिल्म सिटी भी, महाराज जी का पूरा प्लान है कि 24 के पहले उसकी शुरुआत कर दें, तो वो भी आपकी भव्यता के साथ शुरू होगा। रीजनल फिल्म सिटी की भी प्लानिंग है महाराज जी की। तो इस तरह से हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के साथ है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप लोग सब लोग आए, आप लोगों का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रवि किशन जी। और अब मैं विनती करूँगी श्री सतीश कौशिक जी, जो रेनाउंड एक्टर डायरेक्टर हैं, वे आए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है फिल्म के लिए कुछ जानकारी दें। श्री सतीश कौशिक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी, अपने कॉमिक रोल्स के लिए जाने जाते सतीश कौशिक जी। इन्वेस्टर समिट में आए सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम। मंच पर विराजमान श्री अनुराग ठाकुर जी, ऑनरेबल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, हमारी चहेती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेमा मालिनी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे भाई रवि किशन जी, अविनाश अवस्थी जी एडवाइज़र टू सीएम, जिन्होंने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का साथ दिया है, और एडिटर दैनिक जागरण आशुतोष शुक्ला जी, और मेरे जितने भी कोलीग्स यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के हैं, मैं उनको
धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहां पर हमेशा जिनका साथ रहा है फिल्में बनाने के लिए, संजय प्रसाद जी, शिशिर जी, दिनेश जी, जो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं फिल्मकारों की मदद के लिए। मैंने हमेशा फिल्मों में काम किया है, फिल्में बनाई हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 में मैंने कागज़ बनाई थी, अभी कागज़ 2 की पिक्चर ख़त्म की है। बहुत सी फिल्मों में काम किया है और उत्तर प्रदेश जो कि हमेशा साहस दिखाता है फिल्मकारों को मदद करने के लिए, उसका मैं पार्ट रहा हूँ। हर ऐसे समारोह पर मैं आया हूँ जैसे कि आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। पर आज एक खास चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं फिल्म मेकर हूँ, एक्टर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस पूरे दौर के अंदर जिस चीज़ की हमें कमी है वो है थिएटर्स की, एग्जीबिशन सेक्टर जो हमारा बहुत कम है। और उसके लिए हमने कुछ एक नया थिएटर डिज़ाइन किया है, जो कि हम पहले अवनीश अवस्थी जी को भी दिखा चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उसमें फिल्म देख चुके हैं, और तकरीबन हमने उत्तर प्रदेश में कई शोज़ भी किए हैं। और उसके जो विचारक हैं, जिन्होंने एक्चुअली उस थिएटर को बनाया है, मैं उसका एक हिस्सा हूं, मैं उसमें एक पार्टनर हूं, लेकिन मैं अपने साथ उनको भी बुलाना चाहूंगा ताकि उसका प्रेजेंटेशन दे सके, जो कि MD और चेयरमैन हैं, जो कॉन्सेप्ट है थिएटर का, मिस्टर सुशील चौधरी जी। सर, ये एक ऐसी चीज़ है कि एग्जीबिशन सेक्टर हमारे हिंदुस्तान का सबसे वीकेस्ट सेक्टर है। उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो 24 करोड़ जनता के लिए जो है सिर्फ 500 थिएटर हैं, काफ़ी सिंगल स्क्रीन टूट चुके हैं, गांव-गांव खेड़े-खेड़े तक थिएटर नहीं पहुंचा है। जबकि हम बोलते हैं कि साउथ की इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 1200 स्क्रीन्स हैं, जबकि 7 से 7.5 करोड़ जनता है वहाँ पर। आंध्रा और तेलंगाना को मिलाकर के 1600 स्क्रीन है, जबकि 9 से 10 करोड़ की जनता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे अग्रसर है फिल्म मेकिंग के मामले में, जहां पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जहां पर लोग शूटिंग कर रहे हैं, जहां पर मान्यता दी जाती है, सम्मान दिया जाता है फिल्म मेकर्स को, वहां पे सबसे कम थिएटर्स हैं, 500 थिएटर, जबकि हमको यहां कम से कम ज़रूरत है 5000 थिएटर की। उसके लिए सुशील चौधरी जी, चेयरमैन MD पिक्चर टाइम, और हमने ये एक ज़बरदस्त एक विश्वास के साथ कदम उठाया है। तो सर, 1.5 मिनट का प्रेजेंटेशन है, मैं चाहूंगा कि पिक्चर टाइम के प्रेजेंटेशन को दिखाया जाए प्लीज। धन्यवाद, धन्यवाद देखने के लिए। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से एक्चुअली लोगों को थिएटर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, थिएटर जो है आपके पास आएगा। और ये इसको BNC सेंटर, जहाँ की हमारे थिएटर्स हैं नहीं, और एक्चुअली हमारी कितनी आवश्यकता है, मार्केट का वॉल्यूम क्या है,
हमारे हिंदुस्तान में कितने थिएटर्स और कितनी रिकवरी हो सकती है। आज हम बड़े खुश हो जाते हैं 200 करोड़ 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया, लेकिन एक्चुअली इसका वॉल्यूम जो है, सुशील जी आपको बताएंगे कि अमेरिका, चाइना या यूरोप के अंदर जो थिएटर्स हैं और हमारे हिंदुस्तान को क्या ज़रूरत है और हमारे यूपी को क्या ज़रूरत है। मैं आधा मिनट आपसे चाहूँगा कि आप सबके सामने इसको पेश करें। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीबॉडी। आज जो पूरे भारत का मार्केट था सिनेमा थिएटर रिलीज का, वो 2019 कोविड से पहले करीब $2 बिलियन यानी 15 से 16 हज़ार करोड़ का था, लेकिन अमेरिका और चाइना का मार्केट जो $10 बिलियन है, करीब 82 हज़ार करोड़। एक्चुअली हिंदुस्तान और हमारे देश का जो पोटेंशियल है वो लगभग 4 लाख करोड़ का मार्केट है, और उसमें पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है सिनेमा थिएटर। और हम आज इस समिट में कमिट कर रहे हैं कि आगे के कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक जगह पे थिएटर लगाएंगे, निवेश करेंगे 500 करोड़ से ऊपर का, और करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। थैंक यू सर। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, संजय प्रसाद जी और अवनीश जी के मेरे को यहाँ पर बुलाया। मैं हमेशा यूपी में आकर के बड़ा खुश होता हूँ और अपने आप को कृतज्ञ पाता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है हम जैसे फिल्मकारों को इतनी मदद करती है और अपनी सोच को आपके सामने रखने के लिए हमेशा यहाँ पर बुलाया जाता है ताकि हम और ग्रोथ कर सकें। और वाकई में योगी जी तो कितनी बार आए हैं, बॉम्बे आए हैं और बॉम्बे के फिल्मकारों से मिले हैं, तो हमेशा ये जो हमेशा अपने आप को रियलिटी चेक करना और एक दूसरे की ग्रोथ का पता करना, इस तरह के समारोह से हमारा बड़ा ढाढ़स बनता है। मैं आप सबका एक बार से फिर धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत सत सत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी और सतीश जी से जो फिल्म दिखाई, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं बुलाना चाहूँगी फिल्मों के हिट मशीन कहा जाएगा उनको, कि एक के बाद एक हिट फिल्में दी है। चांदनी बार को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज, पेज थ्री को बेस्ट फीचर फिल्म, ट्रैफिक सिग्नल बेस्ट डायरेक्टर, फैशन को बेस्ट फीचर फिल्म, और एक बंगाली फिल्म अभिजात्रिक को 5 बार इनका नेशनल अवार्ड सम्मानित किया गया है इनको। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी वेलकम इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर एंड प्रोड्यूसर, वन एंड ओनली पद्मश्री मधुर भंडारकर जी। नमस्कार, मंच पे बैठे सभी को नमन। ऑनरेबल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सर अनुराग सिंह ठाकुर जी, ऑनरेबल हेमा मालिनी जी MP, मेरे दोस्त रवि किशन जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अवस्थी जी एडवाइजर टू CM सर, दिनेश जी एंड ऑल द डिग्निटरीज एंड माय इंडस्ट्री कलीग्स। फिल्में जो होती है हमेशा वो कहते हो समाज का आईना होता है, और मेरे ख्याल से जिस तरह से यूपी में हमने देखा है फिल्म इंडस्ट्री शूटिंग कर रही है, कई बार सहयोग मिला हम लोग को आदरणीय योगी जी से मिलने का, लखनऊ में, मुंबई में कई बार, हालांकि पिछले महीने में हम लोग एक महीने पहले आदरणीय योगी जी से मुलाकात, काफ़ी इंडस्ट्री के बड़े हम लोग दिग्गज सब लोग थे वहाँ पे बैठे थे और इंटरेक्शन किया, और मुझे इस बात की खुशी है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो चुका है, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हमेशा लोग चाहते, जहाँ शूटिंग होती है विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंस किया। दूसरा, मैं बधाई दूंगा कि फिल्म के अलावा सब्सिडी OTT को भी जो आप लोग ने इसको इनिशिएट किया है, क्योंकि वो आज OTT का इतना बोलबाला है, हम देख रहे हर जगह पे OTT पे फिल्में बन रही है, लोग देख रहे हैं तरह तरह की, तो OTT के लिए भी यूपी सरकार ने उसको सब्सिडी दिया है, जो इंडस्ट्री में एक बहुत ही खुशी की लहर आई है। और मेरे ख्याल से जो फिल्में को सब्सिडी मिल रही है वो नई नई फिल्में बन सकती, नई नई फिल्म मेकर्स को चांस मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिनके पास बजट नहीं होता है, जिनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं होता है, चाहे वो किसी प्रांत का हो, वो उत्तर प्रदेश में आ सकता है और शूटिंग कर सकता है, वो नई स्टारकास्ट के साथ फिल्म बना सकता है,
क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये होगा कि मुझे एक सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी और अलग टाइप का सिनेमा, अलग टाइप का एक्सीलेंट सिनेमा जो है वो बना सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है यूपी गवर्नमेंट ने इसको रखा है। और मेरे ख्याल से हमने जितने बार भी देखा है सिनेमा जो है वो एक हर जगह एक इन्फ्लुएंस करता है, चाहे जो OTT फिल्में हो, चाहे बर्दे पर्दे का सिनेमा हो। अनुराग सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से अनुराग जी आपने इंडस्ट्री को एक अलग दिशा जो दिखाई है। पिछले 3 साल से हमने देखा कि जिस तरह ईफी गोवा में एक ग्लोबल वे में लोग इसको देखते हैं, कान फिल्म फेस्टिवल भी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया और जिसको हर किसी ने उसको सराहा, पसंद किया। और मैं यही चाहूँगा कि इस तरह से यूपी गवर्नमेंट का हमेशा सहयोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री में रहे और भी लोग अलग अलग स्टेट से इधर आए शूटिंग करें। और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा सब लोग को। और संजय प्रसाद जी धन्यवाद, अवस्थी जी थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं जिनको बुलाना चाहूँगी वे इंडियन फिल्म ट्रेड एनालिस्ट हैं, पब्लिशर हैं, फिल्म इंफॉर्मेशन के एक सक्सेसफुल टेलीविजन शो होस्ट हैं, ट्रेड शो ETC बॉलीवुड बिजनेस फॉर द बॉलीवुड टेलीविजन चैनल्स ETC और जी सिनेमा के एंकर हैं, एडवाइजरी बोर्ड में हैं सिनेमा कैपिटल के। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज हेल्प मी वेलकम इंडियन फिल्म ट्रेड एनालिस्ट एंड टेलीविजन शो होस्ट वन एंड ओनली कोमल नाटा जी। नमस्कार। मेरे पहले मंच पर बैठे हुए सभी डिग्नेटरीज, अनुराग ठाकुर जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, गिरीश यादव साहब मिनिस्टर, हेमा मालिनी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव निरवाहुआ जी, अवनीश कुमार अवस्थी जी, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर संजय प्रसाद जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ फिल्म बंधु शिशिर सिंह साहब, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑल द अदर्स, ऑल माय फ्रेंड्स सिटिंग ऑन द डायस, फर्स्टली थैंक यू सो मच गवर्नमेंट ऑफ UP फॉर हैविंग मी ओवर। लोग मुझे अक्सर सुनते हैं मेरे रिव्यूज़ के लिए, तो मैं कुछ ज़्यादा कहे बिना ये कह सकता हूँ कि कल मैं लखनऊ आया हूँ और यहाँ की फिल्म पॉलिसी के बारे में जानकारी जो मिली है, यहाँ के लोगों का प्यार और स्नेह देखकर मुझे कोई शक नहीं है कि जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रति उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाथ बढ़ाया है, एनकरेजमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनाई हैं, आई एम 100% श्योर दैट ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। तब मैं थोड़ा क्रेडिट लेना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले कहा था कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है टूवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री, एंड मुझे ऐसे लगता है कि इट इज़ नॉट अ डे टू सून, बिकॉज जिस तेज़ी से फिल्म इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री बढ़ रही है, ऐसे पॉलिसीज की और ऐसे कोई स्टेट गवर्नमेंट की बहुत आवश्यकता थी। और 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम, उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी फिल्में, कितने वेब सीरीज और कितने TV सीरियल्स आपके उत्तर प्रदेश में शूट होते हैं, एंड स्टार्स जो हैं हमारे स्टार्स, वो उनके ईगोस का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को। और लखनऊ शहर ही तहजीब का है, तमीज़ और तहजीब यहाँ से लोग सीख के जाते हैं, तो हमारे स्टार्स को जो इम्पोर्टेंस मिलेगा मुझे नहीं लगता है इंडिया में और कहीं मिल सकता है। तो वैसे ही हाफ द बैटल इज वन, और बाकी हाफ में तो ऑफकोर्स योगी आदित्यनाथ जी है, उनकी टीम है, मुझे नहीं लगता है वो कोई कसर छोड़ेंगे। एंड देयरफॉर अगर स्टार्स में मैं बात करूं, 5/5 स्टार्स दूंगा। थैंक यू सो मच।
Thank you so much for giving us 5-on-5 star to the government of Uttar Pradesh. Thank you so much. Ladies and gentlemen, अब मैं जिनको बुलाना चाहूँगी वे इंडियन फिल्म मेकर हैं. इन्होंने 60 से भी ज़्यादा फिल्में बहुत सारी डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में इन्होंने बनाई है, जिनमें से बहुत शानदार फिल्में हम सब ने देखी भी होगी और बड़ी यादगार फिल्में हैं प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियाँ, नसीब अपना अपना, हम तुम्हारे हैं सनम एंड मैनी मोर. लेडीज एंड जेंटलमैन, इनको डेक्कन क्रॉनिकल ने इनको बुलाया है द फास्टेस्ट प्रोड्यूसर टू मेक 50 फिल्म्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम ऑन द पोडियम श्री केसी बुकारिया जी, द फिल्म डायरेक्टर. आप सबको सादर प्रणाम. आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर साहब, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, श्री गृहस्थी मिनिस्टर साहब, माननीय पार्लियामेंट मेंबर हेमा मालिनी जी, रवि किशन जी, निर्वा साहब, गिरीश जी, सब तमाम लोग, संजय प्रसाद जी, अवस्थी साहब, श्री सिंह जी, सबको सर, मंच पे मेरे तमाम प्रोड्यूसर भाई, आप सबको सादर प्रणाम. और मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक फिल्म की शूटिंग की थी जिसका नाम था दी सिग्नेचर. उसमें अनु कपूर, अनुपम खेर, मनोज जोशी, महिमा चौधरी, रणवीर शौरी और पिक्चर हम लोग यहाँ शूटिंग करके गए. और स्पेशली दिनेश जी और इनके फिल्म बंधु की तमाम टीम, इन लोगों ने ऐसा बिहेवियर, इनका इतना अच्छा स्वभाव, इस तरह से ऐसी बातें की, ऐसे मदद की कि हमको उसके बाद आपके किसी सब्सिडरी मदद की ज़रूरत नहीं है. हम तो प्रेम और रेस्पेक्ट के भूखे हैं. आपने खूब दिया. मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ जैसे अपने घर में ही शूट कर रहा हूँ. मुझे नहीं लगा कि मैं बम्बई से बाहर जाके कहीं शूट कर रहा हूँ. तो ये सबसे बड़ा, मैं आपको सच्चे दिल से बोल रहा हूँ. और इसी वजह से हम लोगों ने अब एक स्टूडियो बनाने रहे थे हम लोग, कहीं और जगह बना रहे थे. बेसिकली मैं राजस्थान का हूँ तो वही बना रहा था, लेकिन आपके माननीय श्री योगी साहब से मेरी मीटिंग हुई और 2 मिनट में सर उन्होंने फैसला लिया. नेक्स्ट डे मेरे साथ इनकी पूरी टीम बनारस गई और स्टूडियो के लिए मुझे ज़मीन दिखाई. और फिर हमने कहा जी मुझे नोएडा वगैरह नहीं करना, आप मुझे लखनऊ में दीजिए, बिकॉज मेरे हिसाब से आपकी इंडस्ट्री नव लखनऊ में डेवलप होगी. शूटिंगें सब यही हो रही है. और फिर इस बार ने योगी साहब और अच्छे लोगों से मुलाकात भी होगी मेरी. तो हमने इनको प्रपोजल दिया है और जिसमें स्टूडियो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंटायर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस. जो बेशक हमारा बजट 100 करोड़ का ही है, कंपेयर टू आपके 10-10 हज़ार करोड़ के इन्वेस्टर आ रहे हैं, लेकिन हमारी 100 करोड़ फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ लगना और यहाँ वो आपका बिल्कुल मिठाई के ऊपर बरक का काम करेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ. और आपकी इंडस्ट्रियाँ बहुत लग सकती है, आपकी होटल्स बहुत बन सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन सकती है, लेकिन फिल्म स्टूडियो लखनऊ में बनाने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ी सोच चाहिए. तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, आपकी जो जिस तरह से आप लोगों का सपना इस फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का, ये तभी साकार होगा जब यहाँ ऑल फैसिलिटी अवेलेबल होगी. स्टूडियो होगा, आपके बच्चे यहाँ से निकलेंगे, आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे कलाकार निकलेंगे और तभी जाके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उसका सबसे बड़ा आज कर्म करने वाला या उसके सबसे बड़ा देख रेख करने वाले योगी जी है. और योगी जी को मोदी जी का आशीर्वाद है और मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है. तो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है. तो आप इस कॉम्बिनेशन में मुझे, इस गरीब को भी शरीक कर लीजिए. आपके पास, मैं इतना बोल सकता हूँ कि पूंजी कम है ज़्यादा उसका बात नहीं है. मेरे पास 50 ईयर्स फिल्म लाइन का एक्सपीरियंस है. 60 फिल्में बनाई मैंने, जिसमें अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है. और हर हिंदुस्तान की फैमिली, अगर किसी ने फिल्म देखी होगी तो वो केसी बुकारिया को ज़रूर जानता है. तो मैं आपके पास, आपके घर, आपके द्वार चल के आया हूँ. आप आज MOU साइन कीजिए, आज ज़मीन लीजिए, कल शुरू करूँगा और 1 साल में उस स्टूडियो का मुहूर्त कर दूंगा. ये मेरा कमिटमेंट है, मारवाड़ी आदमी हूँ.
और इतना कानून वानून मुझे आता नहीं है, और इन्होंने मुझे मांगा कि भाई ये लिख के दो वो लिख के दो, तो मुझे बोल, मैंने एक ही बात बोला, मैं देसी आदमी हूँ, मुझे तो आप शुरू करावे और उसमें मैं एक साल में चालू कर दूंगा। और हमारे ये बीच में श्री ठाकुर साहब हैं, मिनिस्टर साहब, ये जितने खूबसूरत हैं उतने ही खूबसूरत इनका काम है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में इनकी वाह हो रही है और इनका आशीर्वाद फिल्म इंडस्ट्री पर पूरा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, और इसी तरह बस बुलाते रहिए और हम लोग कुछ करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच बुकारिया जी। और मैं अब बुलाना चाहूँगी मीडिया और इंटरनेट इंडस्ट्री में जाना माना नाम एडिटर दैनिक जागरण श्री आशुतोष शुक्ला जी। नमस्कार। मैं बेशक यहाँ पर एक जर्नलिस्ट के तौर पे बुलाया गया हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कहूँगा क्योंकि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, एक सोच पर हैं, एक मंच पे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मैं यूपी वाला हूँ और वैसे ही अपनी बात कहूँगा। जो उस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, इतना यशस्वी मंच है, मेरा आपसे एक आग्रह है कि पहली बात तो ये कि आपको धन्यवाद। मेरी जैसी जो पीढ़ी है उसके पास खेलने के लिए या तो केवल मैदान थे या देखने के लिए सिनेमा, आज की तरह की चीज़ें नहीं थीं। वो आप लोग हैं जिन्होंने हमको सपने देखना सिखाया, सपनों में जीना सिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। पर मैं आपसे ही अपनी बात कहता हूँ, अवनीश अवस्थी जी ने यहाँ बात कही और वक्ताओं ने कही, बात ये नहीं है कि यूपी आपको क्या दे रहा है, बात यह है कि आप यूपी के प्रति अपनी सोच बदल रहे हैं कि नहीं। जो लोग उधर बैठे हैं, मेरा आपसे कहना, देखिए यूपी अब वो नहीं है जो पहले फिल्मों में कभी दिखाते थे कि एक गांव है, एक गोरी है, एक ठाकुर है जो रेप करता है, फिर एक हीरो आता है। नहीं, आप इससे बाहर निकलिए। यहां जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो नौजवान बैठे हैं, आप इनसे बात कीजिए, इनके इनके दिलों में पूरी एक दुनिया करवट ले रही है। यूपी सबसे ज्यादा आईएएस पैदा कर रहा है, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स पैदा कर रहा है, यहां का जो यूथ है वो बहुत कमाल का है। आग्रह मेरा आपसे ये है कि जो ये मुंबई है ये बहुत सैचुरेटेड है, अब लखनऊ भी सैचुरेटेड है, लेकिन फिल्में जो बन रही हैं वो बाहर बन रही हैं, लखनऊ के, यूपी, मुंबई के, दिल्ली के, सब मेट्रो शहर हैं। और अगर आप नोट करें, मैं नाटा साहब से कह रहा था कि जो आज की फिल्में बनती हैं वो आपके दिल को नहीं छूती, बिल्कुल असर नहीं करती। कोई ऋषिकेश मुखर्जी नहीं है, मधुर भंडारकर साहब ने बनाई हैं, लेकिन कोई ऋषिकेश मुखर्जी नहीं है, कोई बीआर चोपड़ा नहीं है, कोई यश चोपड़ा नहीं है जो आपको बिल्कुल कहाँ लेकर चला जाए। फिल्में बड़े शहरों की नहीं, बड़े शहरों के लिए बड़े शहरों में बन रही हैं। अफसोस ये है कि फिल्में हिंदी वाले देखते हैं लेकिन सोचा वहाँ अंग्रेजी में जा रहा है। नहीं, फिल्में मुंबई से सिनेमा बाहर आ गया है। सिनेमा आप जितना बाहर जाएं, मैं यूपी की तरफ से कहता हूँ, जो मुझे अपनी नौकरी की वजह से घूमने का मौका मिला, मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी की तरक्की, ये यूपी में जो तीन सड़कें हैं, दो बनी हैं, एक बनी बनने जा रही है, ये सड़कें यूपी में तरक्की की कहानी लिखेंगी। एक बुंदेलखंड, एक पूर्वांचल। आप दिल्ली से चलिए, आपका ट्रक माल लेके चले, 12 घंटे में आप बलिया पहुंचते हैं, ये पहले कहां था। ये दो सड़कें हैं, इनके इर्द गिर्द की जो लोकेशन है, आप चित्रकूट जाइए, आप कुछ मत करिए, आप केवल लखीमपुर से पूरनपुर पीलीभीत होते हुए नैनीताल जाइए, वो जो लोकेशंस वहां पर हैं, दोनों तरफ खेत हैं, गन्ने के बीच में गुरुद्वारे हैं, आपको लगता है आप कहाँ आ गए, आप देखिए वो लोकेशंस। तो यूपी को जो कहना है, यूपी आपको, और आप आज यहाँ तक आए हैं तो आप इसलिए नहीं आए हैं कि कहीं कोई एमओयू साइन हुआ था, कहीं कोई सुविधा मिली थी, नहीं, आप इसलिए गए थे कि आपने वहाँ कहानियाँ देखी थी, कहीं आपने वहाँ पर कोई संभावना देखी थी। तो यूपी वो नहीं है जो दिखाया गया है, यूपी बहुत बदल गया है, यहाँ के बच्चे हमारे कहानी लिख रहे हैं, बदल गए हैं। वो एक दृष्टि आनी चाहिए, आपके अंदर वो दृष्टि आएगी, यूपी आपके लिए पलक पौड़े बिछाने को तैयार बैठा है। मैं मीडिया से हूँ, समाज में सब लोगों से मिलता हूँ, सब आपके लिए तैयार हैं, लेकिन सिनेमा वो होना चाहिए जो कहानी लिखेगा। क्यों ऐसा है कि कोई OTT पे गुल्लक हिट होती है, क्यों ऐसा है कि कोई पंचायत हिट होती है, वो कहानी जो हमारी होगी, हमारे लिए कही जाएगी, यानी यूपी के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी, आप जैसे यहाँ आएंगे वो कहानियाँ लेकर आएंगे। यूपी बहुत तैयार है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक एक्टर अपने सिनेमा से, अपनी फिल्म से बड़ा हो जाता है या उसके बराबर होता है,
वो जो कैरेक्टर होता है, कभी कोई मर्लिन ब्रांडो, कभी फूल और पत्थर में कोई शाका, कभी लाखन और रूपा हमको याद है कच्चे धागे के, कभी कोई छोटा सा कैरेक्टर छेनू, कभी कैलेंडर, कभी बसंती, आप इनको भूलते नहीं हैं। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि एक आदमी है जिस पर आपको भरोसा करना चाहिए और उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। मैंने उनसे पिछले दिनों एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि हम आपकी जो नीयत है, यहां वो लोग बैठे हैं जिनके सामने मैंने वो सवाल पूछा, मैंने कहा आपकी जो नीयत है उस पर बहुत साफ है, बहुत मेहनत है, बहुत जज्बा है, बहुत जोश है, बहुत जुनून है, उस जोश और उस जुनून पर भरोसा रखिए। उन्होंने उसके बाद कहा था कि हम सबकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम सब देखेंगे। मैं फिर से एक यूपी वाला होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूं, आप जैसे ही अपनी दृष्टि बदलेंगे, यूपी में बहुत कुछ है, क्या नहीं है, बनारस है, बनारस से बाहर जाइए, बहुत कुछ है बनारस में, चंदौली जाइए, मिर्जापुर जाइए, सोनभद्र जाइए, वहाँ की लोकेशंस देखिए। मैं हर बरसात में जाता हूँ वहाँ पर, और जितनी बार जाता हूँ हर बार चंदौली का वो जो इलाका उन पहाड़ियों का है बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तो यूपी में बहुत कुछ है, हर लोकेशन है, पूरा बुंदेलखंड जाइए आप, क्या नहीं है। तो आपका बहुत स्वागत है, लेकिन आप अपनी बात बदलिए, हम आपके लिए जितने लोग बैठे हैं चाहे वो किसी वर्ग के हैं, हाथ फैला के आपका स्वागत कर रहे हैं, हम तैयार हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत खुश। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभिनय में एक लंबी और कामयाब पारी, अभिनेत्री, लेखिका, फिल्म निर्देशक, नृत्यांगना, राजनेता, जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 1973 में सम्मानित किया गया था, इनको 2000 में मालिनी जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2019 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड फॉर 50 इयर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज, शी हैड बीन सर्विंग एज इन द राज्यसभा फ्रॉम 2003 टू 2009 और 2014 से लोकसभा में है। हमारी माननीय, हमारी ड्रीम गर्ल, जिनको हम बसंती के नाम से जानते हैं, ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं, पद्मश्री डॉक्टर हेमा मालिनी जी। राधे राधे। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग ठाकुर जी, मधुर भंडारकर जी, देयर आर सो मेनी ऑफ माय कलीग्स आर हियर फ्रॉम फिल्म फ्रेटर्निटी, आई नो देम ऑल ऑफ देम, सो आई एम वंडरफुल टू सी देम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मधुर भंडारकर जी, सतीश कौशिक जी, आवर ओन रवि किशन जी, हु इज माई कोलीग इन पार्लियामेंट टू, अवनीश अवस्थी जी, के सी बकड़िया जी, उनको बहुत सालों के बाद मुझे आपको देखने को मिल रहा है, कोमल नाहता जी एंड आशुतोष जी, आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी हियर विथ ऑल ऑफ यू दिस आफ्टरनून फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स सबमिट। फॉर द लास्ट 3 days इट्स हैपनिंग हियर, and I thank Film Bandhu for inviting me to be part of today's session. And first of all, I would like to congratulate our CM, Honorable Yogi Adityanath ji, and the entire administration for organizing this summit and inviting many industrialists and businessman from all over the country, and also especially prominent people from Mumbai. And I'm glad that they are all very much keen and they are ready to invest in this most talked about and fast growing Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is a huge heritage place which has got such wonderful places as just now Ashutosh ji was saying, and there are so many spiritual seekers, tourists, they come to this place to get solace. And this is the place, it's a religious destination is there, like Mathura,
Ayodhya, Varanasi, and many more destinations of tourism is there here. And also, this is the Ma Ganga is flowing here, Yamuna is flowing here, Saraswati is flowing. Such beautiful rivers are all over this. Uttar Pradesh is flowing. And this Uttar Pradesh has provided so many wonderful personalities from various walks of life, like freedom fighters, politicians. There are some artists and educationists. And I am so happy and glad to say that so many film people have come from Uttar Pradesh. They take a name of Amitabh Bachchan ji. We are very proud that he is from here. And there is the Kaifi Aadmi Sahab, Nasruddin Shah, Ravindra Jain ji, who gives wonderful music, and Javed Sahab, Muzaffar Ali ji, Raju Srivatsav ji, who is no more, and our own Ravi Kishan ji is from here, Uttar Pradesh. So I'm glad to be part of this today's summit. And we are just discussing about what kind of investment in film media and web content is going to be. Filmmaking is a very beautiful art. From nothing, they create something. Just with one small idea, they make a huge film with beautiful story, script, direction, and music, dance, the film actor, beautiful actress are there, and then a lot of entertainment items are there. So they make it so beautiful that the people who are watching the film, they get simply spellbound and want to be part of that, this whole film. I'm so proud that I belong to this wonderful film industry, and this industry which provides entertainment, which imparts knowledge, and also connects and bonds people from across the world. So you'll be very surprised to know that jab hum Russia mein jaate hain ya kahin pe bhi kisi bhi country mein bahar ke videsh jaate hain to wahan ke log kuch hindi mein baat karne lagte hain. You can understand a Russian speaking in Hindi. But हमने पता किया कि आप कैसे बोलते हैं. Then they say they watch Hindi films. Hindi film देखकर वो लोगों ने language को सीखा है. I say not only Russia, so many, I have seen some people from China also, from Thailand. So it is so, it connects people in one second. You just see a movie and you are connected with that particular, and artist, and the Bollywood artists are so popular all over the world. So I feel very proud and honored that I am belong to this wonderful industry. And usi ko dekhkar kai naujawan aaj ke bahut hi aakarshit hokar film mein aana chahte hain. Main Mathura se hi hu to mere paas bahut sare young talented artist aate hain ki mujhe film mein kaam do, kyunki aapne Shahrukh Khan ko aapke picture mein introduce karaya, aap mujhe bhi banaiye kuch. एंड वो लोग बेचारे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मुंबई में वो फिल्म के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होने की वजह से काम नहीं मिलता इतनी आसानी से, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और उदास होकर आते हैं. तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये कहते हुए कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ होना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग. बट अभी मुझे बहुत खुशी होती है कि योगी जी पिछले कुछ सालों में इन्होंने पूरी मेहनत से यहाँ नोएडा में इतना बड़ा एक फिल्म सिटी बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हम चाहते हैं कि काफ़ी इन्वेस्टर्स आए, इसमें भाग लें. और जैसे फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई में नहीं, इट इज़ इन तमिलनाडु ऑल्सो. आप चेन्नई में देख सकते हैं, बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है. वैसे ही तेलुगु में भी, आंध्रा में है रामोजी राव स्टूडियो, इट्स ब्यूटिफुली हैज़ मेड, कर्नाटका में. सो ऑल रीजनल तमिल सेक्टर में बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं. उसी तरह अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में यहाँ एक बड़ा सा स्टूडियो बन जाएगा, तो बहुत सारे कलाकारों को यहाँ पर काम मिलेगा, जो एस्पायर करते हैं, जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्टर बनने के. सबसे ज़्यादा सब लोगों का एक्टर बनने का शौक रहता है, यू नो, वो
देखने में कैसे भी हों, लेकिन उनको लगता है कि मैं भी एक्टर बन जाऊं, लेकिन नहीं होने की वजह से उदास हो जाते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगी कि कैमरा के आगे अगर आपका मौका नहीं मिला, कैमरा के पीछे बहुत कुछ मिल सकता है, बिकॉज देयर इज सच अ वास्ट डिपार्टमेंट इज देयर। वन कैन बिकम अ स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर, देन आर्ट डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, ऐसा बहुत सारे डिपेंड, देन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, कुछ भी बन सकते हैं। और एक एक पिक्चर के पीछे इतने हज़ारों लोग काम करते हैं और सबको इतनी नौकरी मिलती है, ऐसा एक इंडस्ट्री है हमारी। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ऐसा बनने वाला है। जो लोग उदास ना हुई है, आपके लिए योगी जी इतना बड़ा एक कॉरिडोर ओपन कर रहे हैं जहाँ पर आप सब लोग जाकर अपना अपना जो सपना है उसे साकार कीजिए, जिसमें फिल्म बंधु इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन ए बिग वे। सो बहुत सारी उपलब्धियां दे रहे हैं, बहुत सारे सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, कैमरा के पीछे आगे मिल सकता है। और उत्तर प्रदेश एक फ्रेंडली स्टेट माना जाता है और इसके लिए इस स्टेट को कई नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कल्चर एंड हेरिटेज की सारी दुनिया में प्रचार करने के लिए फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश बनाया गया है। इस स्टेट में बनने वाली वेब सीरीज़, वेब फिल्म स्टूडियोज़, लैब और फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े सभी लोगों को सब्सिडी देने का प्रपोजल है। तो ये अभी आपको अवनीश अवस्थी जी ने बहुत सारे चीज़ें विस्तार में कहा था, तो मैं भी अपनी तरफ से भी आपको कह रही हूँ, लेकिन अब की बार देश के अन्य भाषाओं के फिल्म को भी सब्सिडी देने का प्रपोजल है। इंडियन ओरिजिन के लोग जो विदेश में बसे हैं, जैसे सुरीनाम, फिजी, मॉरिशियस, हॉलैंड और अन्य देशों से यहाँ आकर भारतीय सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने के लिए उन्हें भी सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, वो आपको हमारे फिल्म बंधु के लोग आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आज के इस सबमिट में जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड बी ए पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, देखने लायक है। जहाँ जहाँ गंगा जी बह रही हैं उसके किनारे किनारे भी देखिए तो इतना खूबसूरत जगह है। आप चंडोली की बात कर रहे थे, तो आई हैव परफॉर्म्ड देयर एंड आई सॉ गंगा फ्लोइंग देयर एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। ऐसी एक लोकेशन और कहीं नहीं मिल सकती है। लेकिन पहले ऐसा प्रॉब्लम था कि यहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, आज योगी जी ने ऐसा कर दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन वॉक आउट एनी वेयर। हम लोग सब आर्टिस्ट कलाकार आराम से कहीं भी जाकर शूटिंग कर सकते हैं, इतना इंतज़ाम किया है। तो आई रियली कंग्रेचुलेट, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ योगी जी को, और जिन्होंने पूरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इंस्पिरेशन में बहुत कुछ काम यहाँ पर हो रहा है। और आपने सब मुझे यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जी हाँ, समृद्ध सिक्योर्ड उत्तर प्रदेश जो सपना देखा है, और जी हाँ, इसी वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, नो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से उत्तर प्रदेश में अब जो निवेश हो रहे हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे अलग इंडस्ट्री अदर इंडस्ट्रीज में भी हो, तो ये निवेश पॉसिबल हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिल्म निर्माण संबंधी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश का गठन किया गया है। उसके ऊपर एक छोटी सी फिल्म हम आपको दिखाना चाहेंगे, और सर को ज़रूर से मैं विनती करूँगी आप ज़रूर से देखें। और कैन यू हैव द फिल्म प्लीज़। A state that has abundant exquisite locations, magnificent landscape, possesses numerous visual spectacles, boasts its cultural diversity, takes pride in its rich heritage, where villages are rooted in tradition and values. Cities exhibit extravagant growth, which has strategic location, has seamless connectivity, blessed with natural resources, skilled human capital,
offers a vast canvas for creativity to explore and flourish. Provide perfect ingredients to the film and entertainment industry. Is the state of Uttar Pradesh. फिल्मों में भी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिला। समाज में बदलाव के साथ हर दौर में फिल्में भी बदलती रहीं। With the ongoing digitization and the advent of new technologies, the media and entertainment industry is expected to show strong growth over the next few years. As per estimates, the industry is poised to touch 57 to 70 billion USD by 2030. Driven mainly by strong growth in OTT, gaming, animation and VFX. Inspired by PM Modi's vision of Atmanirbhar Bharat, the state of Uttar Pradesh, under the leadership of CM Yogi Adityanath, is continuously creating opportunities by drafting and executing attractive policies. UP is the heart of this India's digital growth story. UP's film policy is crafted with the sole aim of projecting the cultural, mythological, historical, heritage and glorious traditions not only within the country but also abroad through widespread publicity, congenial atmosphere and film-friendly facilities. Some of the key highlights of the policy are SGST reimbursement at 100% to multiplex or cinema hall owner. Subsidy of rupees 1 crore for films which have been shot for at least a half of its total shooting days in UP. The films for which 2/3 of its total shooting days are in UP is entitled for a subsidy up to a maximum limit of rupees 2 crores. The grant of films produced by national or international award-winning producer or director of the films who have received the grant under film policy will be eligible for the following. Additional subsidy of up to a maximum of rupees 25 lakhs will be provided to cast at least 5 artists from UP. Additional subsidy of up to a maximum of rupees 50 lakh will be provided in case all artists hail from UP. Adjudged India's most film-friendly state for film shooting, UP offers immense opportunities and conducive environment. Come and be a part of this land of opportunities and write your own story. Uttar Pradesh, the new India's growth engine. जी हाँ, new India's growth engine, ladies and gentlemen. And now I would request our Honorable Minister, Information and Broadcasting, Government of India, Shri Anurag Singh Thakur ji, to address the gathering. Dignitaries on the dais, friends from the media entertainment industry, and friends from media houses, namaskar. Let me first thank Uttar Pradesh government, Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, and his entire team for putting up such a brilliant show of Global Investors Meet. This Global Investors Summit is a platform where you have attracted investments into various sectors, but my interest in two areas lies in the field of cinema and the field of sports. And if you look at most of the investor summits, these two fields are never included. But it is the state of Uttar Pradesh which has given emphasis to cinema and sports. So I thank the Honorable Chief Minister for that. Uttar Pradesh ek aisa rajya hai jisne khelon ko bhi aur cinema jagat ko bhi badhava diya hai aur is manch ko bhi aapne avsar diya. Mananiya Yogi ji ka uske liye bahut bahut aabhar.
और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने की बात करते हैं तो उसमें चाहे खेल मैदान बनाने की बात हो, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की बात हो, खेल प्रतिभाओं को निखारने से उनके मेडल जीतने तक की यात्रा हो, हर कदम पर उनका हाथ पकड़कर चलने के लिए सहयोग से उनका मनोबल बढ़ाने का बात हो, नरेंद्र मोदी जी सदा उनके साथ खड़े नजर आते हैं। और उत्तर प्रदेश की इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी, जहां आगाज उसकी शुरुआत इतनी ज़ोरदार हुई, शायद ही किसी देश के किसी राज्य में 32 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की कभी बात हुई हो, वो कहीं पर हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश अपने आप को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, जबकि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात अगले 2-3 सालों में करता है, तो एक तरह से देश का 1/5 उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट करने वाला है। अब वो एनर्जी का सेक्टर हो या बाकी सेक्टर हो, वहां तो इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन सही मायने में स्पोर्ट्स और सिनेमा दो सेक्टर ऐसे हैं जो देश की सीमाओं को तोड़कर दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर दिल जीतने का काम करते हैं और तिरंगा फहराने का काम भी करते हैं। खिलाड़ी जीतता है कभी गोल्ड मेडल तो राष्ट्रगान भी बजता है, तिरंगा भी लहराया जाता है, और कभी रीजनल फिल्म RRR की तरह भी बने तो रीजनल से नेशनल और इंटरनेशनल बनते समय नहीं लगता है। तो ये क्षेत्र ऐसा है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। और जब मैं सीमाओं की बात करता हूं तो सतीश जी ने तो उसको थोड़ी सीमा में बांधने का काम किया, मैं उस सीमा को तोड़ के थोड़ा बाहर जा रहा हूं। आप उसको सिनेमा तक ही रहे, स्क्रीन्स तक ही रहे, आज दुनिया थोड़ी आगे निकल गई। मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि भारत जैसे देश में नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़नी चाहिए, और उसमें आपको ये जरूर कहना चाहिए था कि हर राज्य का अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय का क्या कानून है, वहाँ कहाँ बंदिशें लगती हैं, कैसे वायबिलिटी नहीं आ पाती, क्यों स्क्रीन्स नहीं बढ़ पा रहे, और आपके इस मॉडल पे क्यों आना पड़ेगा, क्या अवसर हमारे पास हैं? आज हमारे पास कितने इंटरनेट यूजर्स हैं? 70 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स भारत के पास हैं। दुनिया में सबसे कम या कम खर्च करके डेटा मिलने का काम भारत में होता है। अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो भारत में वो देखने को मिलती है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर किसी की बात करूं तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो बाय $100 बिलियन बाय 2030, यानी कि 7.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सन 2030 तक होगी। ये लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लाएगी, तो साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से होगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन चाहे ऑन स्क्रीन हो या फिर रैपिड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, चाहे वो वीडियो शेयरिंग मोबाइल ऐप्स की बात करूं या हम OTT कंटेंट मार्केटिंग की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग TV की बात करें, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी की ओर। और दुनिया भर में आज जब हम क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेके स्क्रीन से लेके टेलीविजन लीनियर तक, वहाँ पर भारत एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। दुनिया में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता कोई है तो हमारा देश भारत है, सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला। लेकिन जो चिंता व्यक्त की गई, उतनी ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं है, उस दिशा में क्या किया जाए? भारत में इंडोर स्टेडियम्स बहुत हैं जो खिलाड़ियों के लिए चाहिए, अभी कई हज़ार और इंडोर स्टेडियम्स और बनेंगे, तो क्या हर हफ्ते में 2 दिन ऐसे निकाले जा सकते हैं जब शाम के समय, मान लीजिए शाम को 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपके 3 शोज हो सकते हैं, तो आपको अपनी ये गाड़ी भी लेकर नहीं चलना पड़ेगा, और देश में अगर 5,000 इंडोर स्टेडियम्स हैं
तो आप 5,000 जगह अपना सेटअप लगाइए, एट वन गो विद वन की यू कैन स्टार्ट 5,000 स्क्रीन और आपको उतना ही मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा। मुझे लगता है उस और भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे राज्यों के पास एक अवसर आपका मिल सकता है। ना डीजल खर्च होगा, ना उतना मैन पावर दौड़ानी पड़ेगी, आजकल तो डिजिटल की के माध्यम से आपका शुरू होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट उससे दिखती है, लेकिन 5,000 आपको स्क्रीन्स एक साथ मिल सकती है। जो कमाई उससे हो वो खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर खर्च हो तो सिनेमा और स्पोर्ट्स दोनों के लिए ही उसके लिए बहुत कुछ बन सकता है। और मैं इसमें आपको छोटा सा और करूं, जो उत्तर प्रदेश ने किया है, उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बड़ा सफल उपयोग किया है। आज कुछ भी यहां पर आपको मिलता है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, किसी ना किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का, किसी ना किसी स्टार्टअप का, किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर का, स्मॉल एंटरप्रेन्योर, अ कॉटेज इंडस्ट्री विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस। अब जब आपकी अगर 5,000 स्क्रीन्स हो जाती हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपकी 2,000 स्क्रीन्स हो जाती हैं, तो उसके आसपास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले, उनके स्टॉल्स क्यों नहीं उसी सिनेमा के आसपास लग सकते। अगर वहां पर 1,000 लोग फिल्म देखने शाम तक आएंगे तो 1,000 आपको फुटफॉल भी मिलेगा लोगों का कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। तो हम इसको अलग तरीके से कर सकते हैं जहां पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी उसका उपयोग हो पाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बल मिलेगा और फिल्म जगत की जो लागत है फिल्मों में उसकी रिकवरी के लिए आपको कई हज़ार स्क्रीन ज़्यादा मिल पाएंगी। अगर फिल्म जगत इसमें थोड़ा गंभीरता से देखे तो राज्यों के साथ बात करके इस दिशा में कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है, शायद उसका फायदा मिल सके। यही नहीं, व्हेन आई टॉक अबाउट द मैग्नस ओपस, RRR हैज रिसेंटली मेड ऑल ऑफ अस प्राउड विद इट्स वर्ल्ड वाइड सक्सेस एंड विंस एंड प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक गोल्डन ग्लोब्स एंड क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स। लेट अस पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर द मेकर्स ऑफ RRR। ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है, जरा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। एंड अनदर एरिया वेयर इंडिया एंड इंडियाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर इज थ्राइविंग इज द डिजिटल स्पेस। व्हाइल ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक्स वी वर लॉक्ड इन आवर हाउसेस, इट इज द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विच केम टूगेदर। मैनी ऑफ देम दे सैंग फ्यू सॉन्ग्स, मैनी ऑफ देम दे शॉर्ट सम फिल्म्स इन अ रूम और इन अ लोकल एरिया। और उस आपदा के समय भी मनोरंजन करने में हमारा फिल्म जगत कहीं पीछे नहीं रहा, मनोबल भी बढ़ाए रखा और मनोरंजन करने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। सो विद द ह्यूज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, व्हेन आई टॉक अबाउट द डिजिटल स्पेस, विद द ह्यूज नंबर ऑफ द इंटरनेट यूजर्स, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर We have massive market for digital content such as streaming services, online gaming and social media. And when we look at the rapid growth of the OTT platforms and increased emphasis on the animated intellectual property content and large investments in the VFX by studios have provided animation and VFX studios with opportunities in both domestic and international markets. Today, if you look at the global big pictures, many of them, they have some content being done in India, whether it is the post-production, some shooting happened in India. So I think the next opportunity lies in the AVGC sector, which is the animation, visual effects, gaming and comics. And it can provide jobs to millions of Indians, employment and self-employment. India should become the post-production hub of the world. India should become the content hub of the world. India has the potential, the skilled manpower, not only in the film production, but also in the post-production. So here we see the most competitive market, technology-driven market, who understand the softwares, who can create softwares, who can provide the back-end studios also. What stops us? Here again, there are no boundaries. Any film which is being shot in UK, US or other parts of the world, they will come back to Mumbai, Chennai, Bangalore and Hyderabad for their post-production. Agar wo wahan par ja sakte hain,
तो उनको उत्तर प्रदेश में भी आने से कोई नहीं रोक सकता। और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां फिल्म को लेकर, जो यहां पर फिल्म बंधु के रूप में दिखाया गया, वो दिखाता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में शूटिंग करते हैं तो 2 करोड़ रुपए तक भी आपको मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के कलाकार होंगे 5 से ज़्यादा तो 50 लाख तक भी आपको मिल सकता है। आप वेब सीरीज बनाएंगे तो इतने लाख नहीं, इतने करोड़ रुपए आपको मिल सकते हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर योगी जी ने कमी छोड़ी हो? मैं तो कहता हूं फिल्म वालों, अगर कहीं अगली दुनिया दिखती है तो उत्तर प्रदेश में ही बनती हुई दिखती है। तो जहां सरकार आपका हाथ पकड़कर आगे चलने के लिए तैयार है तो आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। एट द सेम टाइम, एंड आई वुड लाइक टू से दिस इन इंग्लिश, एट द सेम टाइम व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो गिवन इंपॉर्टेंस टू द एवीजीसी सेक्टर बिकॉज इट होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल टू एम्प्लॉय द यूथ। सो एवीजीसी सेक्टर इज गोइंग टू सर्व एज द मेजर ग्रोथ ड्राइवर फॉर द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड audio visual services as one of the 12 champion service sectors. We have formed the task force on the AVGC also. They have submitted the report to me and my ministry will be taking some action soon to have more and more players in the AVGC sector so that we can drive the growth. And for the growth of India's AVGC sector, it will enable to act as connecting bridge between the country's culture and its dissemination to the wider global audience. The best of the best films, as I said earlier, has been shot or maybe post-production has been done in India. But look at India, the diversity of India and rich storytelling culture gives us a platform and an opportunity to take our stories to the various parts of the world. आज हमारी यहां पर कुश्ती पर बनी कोई फिल्म चाइना में सुपर हिट हो जाएगी, राजकपूर की बनी फिल्म रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया में हिट हो जाएगी। आप शायद सिनेमा जगत की इस क्षमता को कम आंक रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मीडिया जगत के लोगों को बुलाकर जो उसमें बदलाव करने थे वो भी करने का काम किया। हाल ही में मेरे पास एक डेलीगेशन सेंट्रल एशियन कंट्रीज का आया, 100 विद्यार्थी थे, युवा थे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। आप कल्पना नहीं कर सकते क्या हुआ। मुझे लगा मैं भारत के कुछ कल्चरल आइटम्स दिखा के भारत की रिच कल्चर और हेरिटेज को दिखाने का प्रयास करूंगा, तो उन्होंने कहा हमें भी कुछ करके दिखाना है। मैंने कहा तो देशों में कंपटीशन शुरू हो गया, ये अब अपने देश का कुछ शुरू करेंगे। आप विश्वास करिए, चारों देशों के युवा जब मंच पर आए तो उन्होंने भारतीय फिल्मों के ना केवल गानों को गाया, भारतीय डांस को करके दिखाया, भारत के ट्रेडिशनल डांसेस को करके दिखाया। ये भारत की एक छाप, भारतीय कला संस्कृति और फिल्मों की छाप दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिलती है। और गाने कौन से? मेरा नाम जोकर फिल्म से, निर्वा जी, मेरा नाम जोकर फिल्म से। और आप में से पता नहीं आजकल कौन कौन मिथुन चक्रवर्ती जी की फिल्म देखते होंगे, लेकिन वो मंच पर आए उन्होंने गाना क्या गाया? जिम्मी 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 आजा आजा आजा। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई हेमा जी। तो अभी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हमारा फिल्म फेस्टिवल था बॉम्बे में, हेमा जी वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर थी। लंबी कतार लगाकर उस देश के लोगों का, ऐसा लगता था लाइन हेमा जी के लिए इतनी लंबी लगी कि ड्रीम गर्ल को मिलने का ड्रीम पूरा हुआ तो हेमा जी को उनको उस समय पूरा हुआ। जो बड़े पर्दे पर देखते थे उनको सामने मिलने का अवसर मिला। ये हमारी ताकत है। लेकिन मेरे जो लोकसभा के तीनों साथी यहाँ पर बैठे हैं, दिनेश लाल निर्वा जी हों, रवि किशन जी हों, हेमा मालिनी जी हों, ये आपने बड़े पर्दे पर अभिनेता के रूप में देखा है, लेकिन मैंने लोकसभा में इनको लोगों के हित के मुद्दों को उठाते हुए एक सजे हुए नेता के रूप में देखा है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही नहीं,
उस मंच का इस्तेमाल ये लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी करते हैं। और जब कटुता की बात आती है कभी ना कभी, तो मुझे लगता है फिल्म तो एक प्लेटफॉर्म है समाज की अच्छाइयों को, समाज की बुराइयों को, किसी राज्य के अच्छे काम को, किसी अच्छी प्रथाओं को, अपनी कला संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाने का। भारत जैसे मैंने कहा रिच स्टोरी टेलिंग वाली देश है, उसमें इस तरह की कटुता नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिल्म जगत को भी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि विवाद पैदा करके, क्योंकि संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है, समाज में तनाव नहीं चाहिए। मनोरंजन करने के साथ साथ, मनोरंजन करना अलग बात है, सामाजिक विषयों को लगाना अलग बात है, लेकिन तनाव की स्थिति ना पैदा हो, ये जिम्मेदारी फिल्म जगत की भी उतनी ही बनती है। तो हम सबको साथ साथ काम करना पड़ेगा। मेरे पास बार बार सवाल आता है OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर बड़ी छूट दे रखी है। अगर आपको क्रिएटिविटी को थोड़े पंख देने होंगे, लेकिन साथ ही साथ चेक एंड बैलेंसेस बहुत आवश्यक है। वहां पर भी हमने, अवनीश जी, वहां पर भी हमने 3-tier सिस्टम है। जो कंटेंट क्रिएटर है, अगर उसके खिलाफ किसी की शिकायत है तो ऑनलाइन प्रोड्यूसर को शिकायत कर सकता है, अधिकतर वहीं पर रिजॉल्व होती है। उसके बाद उसके एसोसिएशन के लेवल पे, तीसरा फिर इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास आता है। हमें कहीं ना कहीं अगर दुनिया भर में जाना है तो हमें इसको आगे लगातार अपनी कला संस्कृति साहित्य, अपनी स्टोरी टेलिंग इसको आगे बढ़ाना है। दूसरा, भारत सरकार ने पिछली बार कान फिल्म फेस्टिवल में 2 स्कीम्स लॉन्च की थी, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव स्कीम, और दूसरा इंटेंसिव इंसेंटिव स्कीम शूटिंग ऑफ फॉरेन फिल्म्स इन इंडिया। इसमें भी आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए के आपको इसमें इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। भारत दुनिया का केवल सबसे बड़ा फिल्म निर्माता ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म डिजिटाइजेशन और रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट भी नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत भारत चला रहा है, जहां पे फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स को डिजिटाइज और रिस्टोर करने का हम काम कर रहे हैं। और को प्रोडक्शन ट्रीटीज हमने दुनिया के 15 देशों के साथ की है, और इसमें फिल्में जैसे कि द हीरो ऑफ सेंटोपिया 2+1, ये इंडियाज ऑफिशियल नॉमिनेशन था एकेडमी अवार्ड्स के लिए, द लास्ट फिल्म शो, कम टू द स्क्रीन्स, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर काम हुए हैं जिसको देश और दुनिया ने देखा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहाँ, मुझे लगता है बॉम्बे के बाद सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की, या शायद बॉम्बे से भी बड़ी आप बनाने जा रहे हैं, 1,000 acres में फिल्म सिटी बनाने का केवल सपना ही नहीं, उसको धरातल पर उतारने का काम भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करने जा रही है। ये 1,000 crore रुपए की इन्वेस्टमेंट तो लाएगी, लेकिन लाखों लोगों के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर भी खड़ा करेगी। और इसके साथ साथ एक ग्रैंड म्यूजिक इंस्टीट्यूशन हरिहरपुर में भी आपने शुरू किया है, और इंसेंटिव आपने जो यहाँ पे बताए गए सारे फिल्म प्रोडक्शन के लिए आपने शुरू कर दिए हैं। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5G सर्विसेज की लॉन्च कर दी है, इस साल के अंत तक प्रमुख शहरों में आपको 5G सर्विसेज मिल जाएंगी, तो आप कल्पना कीजिए गांव में बैठा एक कलाकार अपनी किसी परफॉर्मेंस के माध्यम से किसी भी प्लेटफॉर्म पर देश नहीं दुनिया भर के लाखों व्यूज कमाता है। और बोकाड़िया जी, सतीश जी, मधुर भंडारकर जी, आज हम माने ना माने, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म या डिजिटल ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि जिसमें हुनर है उसको आप रोक नहीं सकते। पहले होता था कि फिल्म जगत में कुछ परिवारों तक सीमित, कुछ लोगों तक सीमित, एक कोटरी तक सीमित को ही आगे बढ़ाने का काम होता था। आज हुनर वालों को कोई रोक नहीं पाएगा। जैसा मैंने कहा, रीजनल इज नो मोर रीजनल, इट टेक्स फ्यू मिनट्स टू बिकम रीजनल टू नेशनल एंड इंटरनेशनल। नाउ द टेक्नोलॉजी गिव्स यू ए पावर टू डब दैट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यू कैन हैव सब टेक्स्ट अवेलेबल, एंड विद द डिफरेंट एप्लीकेशंस टुडे यू कैन सिट विद योर मोबाइल फोन
आप अपना मोबाइल फ़ोन लेके बैठ सकते हैं, हेडफोन अपना लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आएगी आप किस भाषा में उस फिल्म को सुनना चाहते हो। अगर आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध करवाएंगे तो आप अपने सिनेमा में बैठकर, चाहे तेलुगु में फिल्म बनी होगी, आप उसको हिंदी में सुन पाएंगे। ये भी भारत में हो गया है। लेकिन फिल्म जगत उस दिशा में कितना आगे बढ़ा है, उस दिशा में भी, क्योंकि वी हैव टू मेक इट मोर अफोर्डेबल। और भारत में अगर आप देखिए, क्रिकेट को एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं BCCI का प्रेसिडेंट रहा इसलिए कह रहा हूं कि IPL जब शुरू हुआ तो एक भाषा में चलता था, दूसरे इंग्लिश में चलता था, आज कितनी भाषाओं में है। और उससे आपकी व्यूअरशिप कितनी बड़ी, लोग अपनी स्थानीय भाषा में सुनना चाहते हैं। अगर भोजपुरी के दो इतने बड़े कलाकार जो अपनी स्थानीय भाषा से राष्ट्रीय फिल्म तक जाने का काम किया है, तो अपने आप में दिखाता है कि क्या हो सकता है। हेमा जी आज हिंदी फिल्म की अभिनेत्री नहीं, आज दुनिया भर में नाम कमाया है, तो ये हमारी फिल्मों की ताकत है। लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने इस उत्तर प्रदेश की धरती से टेक्नोलॉजी और सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके सुविधाओं का इंसेंटिव का मेरे सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी अपर मुख्य सचिव, फिक्की, CII समेत तमाम व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के 3 दिवसीय कार्यक्रम में वैश्विक व्यापारिक समुदाय से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की धरती पर राष्ट्रपति बनने और उत्तर प्रदेश के इस निवेश महाकुंभ को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के इस वैश्विक महाकुंभ को, निवेश महाकुंभ को 10 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। पूरी दुनिया के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो सम्मान बढ़ा, उसका लाभ हमें GIS